हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आपको इस सलवार की स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। इसकी कटिंग मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, जिसको मैंने नेट के दुपट्टे से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम इस सलवार के सभी पार्ट्स को जोड़ लेंगे। ये देखिए, इनर का कपड़ा हमने ऊपर रखा हुआ है और नेट का कपड़ा हमने अंदर रखा हुआ है और उसको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों का जो नेट का कपड़ा है वो अंदर से सीधा होना चाहिए और ऊपर से उल्टा, उसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है। सभी फट्टों को और कलियों को, यानी कि इसमें दो फट्टे हैं और चार कलियाँ हैं, वन बाय वन करके हम स्टिच कर लेंगे। सभी कलियों और फट्टों को स्टिच करने के बाद हम आसन की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने नीचे वाला कपड़ा हाफ इंच आगे निकाला हुआ है और आगे निकालने के बाद हम ऊपर वाले कपड़े के ऊपर रखते हुए उसके कॉर्नर पर से स्टिच कर लेंगे। हम हाफ पैर की स्टिचिंग इस पर करेंगे। देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कपड़े को फोल्ड करके फिर स्टिचिंग किया है। उसके बाद इसको सलवार को आसन को आगे करते हुए हम उसी साइड में फिर से उस कपड़े को दबाकर इस सिलाई को गुम कर देंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से भी हम दूसरे आसन की भी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद जो हमारी बेल्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए, एक ही यहाँ पे कॉर्नर है हमारा, हमने फुल लेंथ ली है इस बेल्ट की और इस तरीके से स्टिच करना है। डेढ़ इंच का हमने छोड़कर फिर से मोड़कर हमने स्टिच कर देना है, क्योंकि उस पर हम नाड़ा या फिर इलास्टिक या डोरी डालने के लिए, उसको फोल्ड करने के लिए हम नेफा फोल्ड करेंगे उसका। ये देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करके हम इक्वली स्टिच कर देंगे और उसके बाद हम ऊपर से डेढ़ इंच का मोड़ देंगे इसको। उसके बाद हम इस सलवार की प्लीट डालना शुरू करेंगे। देखिए, हमने तीन तीन इंच का कपड़ा इस तरीके से उठाना है और हम सीधी साइड सलवार को रखेंगे और एक साइड के आसन से इस तरीके से हम प्लीट डालते जाएंगे। ये देखिए, हमने हाफ हाफ इंच की सभी प्लीटें डालनी है
और इस तरीके से 3-3 इंच का कपड़ा उठाना है और हाफ इंच पर स्टिच करके रोक देना है। फिर से प्लीट उठानी है और फिर से उसको दबा देना है। हमने आसन की साइड ही प्लीट डालनी है, यानी कि जो हमारी सेंटर वाली आसन आएगा जहाँ से शुरू किया है उसी साइड आएंगी। दोनों साइड से हमने अंदर की तरफ प्लीट डालनी है और इस तरीके से हमने प्लीट डालनी है। हमारी बेल्ट 20 इंच की है तो यहाँ पे हमारा जो ये एक साइड वाला कपड़ा है वो 22 इंच का होगा। और क्योंकि 2 इंच हमारा बैक साइड की में प्लीट आती है जो पीछे आती है, एक एक दोनों साइड बोर्ड लेगी, यानी कि पीछे वाले आसन के दोनों साइड एक एक प्लीट डलती है, उसके लिए हम 2 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। और इस तरीके से हमारी सभी प्लीट को कंप्लीट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लीट डाल लेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है। पहले हम सलवार की प्लीट डालते हैं सीधा कपड़ा रख के, क्योंकि इस पे हमें पता चल जाता है कि प्लीट इक्वल है, छोटी बड़ी तो नहीं है। बिगनर के लिए यह तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरीके से हम दूसरी साइड से फिर से प्लीट डालना सेम उसी तरीके से शुरू करेंगे। यहाँ पे हाफ हाफ इंच के हम प्लीट डालेंगे और 3-3 कपड़ा उठाकर अंदर की तरफ दबाते हुए स्टिच करते जाएंगे। देखिए, दोनों साइड की प्लीट डालने के बाद हम इस पर बेल्ट को अटैच करेंगे। सीधा दोनों का कपड़ा अंदर की तरफ आएगा, यानी कि सलवार का भी और बेल्ट का भी सीधा कपड़ा अंदर की तरफ, उल्टा बाहर की तरफ रखते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। और जो हमारा बैक साइड वाला सेंटर का इस एरिया है जो हमारा बेल्ट का, उसको हम बैक साइड वाले आसन पर मिलाएंगे और जो 2 इंच का कपड़ा हमने छोड़ा हुआ था उसकी प्लीट डालकर ही आसन को मिलाएंगे। यानी कि बेल्ट के सेंटर वाला बैक साइड वाला जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है उसको और आसन को मिलाते हुए हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच करना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, ये देखिए यहाँ पे बचा है एक्स्ट्रा कपड़ा, उसकी हम यहाँ पे इस तरीके से प्लीट डाल लेंगे और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए, बैक साइड वाले आसन को मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे और ये हमारी बेल्ट हमारी फिक्स हो जाएगी इसके ऊपर। देखिए, बेल्ट को हम अटैच करने के बाद फिर से इस बेल्ट के ऊपर की तरफ हाफ हाफ पैर की सिलाई लगाएंगे। इससे यह फाइनल हो जाएगी, यानी कि फाइनल स्टिच हो जाएगी, इससे डबल स्टिचिंग हो जाएगी और प्लीटें कभी भी निकलेंगी नहीं, इसमें फिक्स हो जाएंगी अच्छे से। उसके बाद हमारा हम पोंचे यानी कि सलवार की मोहरी बनाएंगे। इस तरीके से हमने 4 या 5 आपको जितने भी चौड़े पोंचे बनाने हैं उतना लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इस तरीके से उसके ऊपर फोम के ऊपर हम मोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने फोम लिया है और नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच का कपड़ा रखेंगे। जो हमारा कपड़ा है उसका उस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और फिर इसको सलवार के ऊपर रखते हुए, यानी कि जो नीचे का हमने मोहरी का कपड़ा कट किया हुआ है सलवार का, वहाँ पर रखेंगे और स्टिच करेंगे। उसके बाद स्टिच करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ मोड़कर फिर स्टिच करेंगे।
आप देखते रहिए मैं किस तरह से अटैच करती हूँ, जो मेरी सलवार की पोंचे हैं उसको किस तरह से बुनाती हूँ। देखिए हमने नीचे की तरफ उसको फोम को अटैच कर लिया है कपड़े में स्टिच करके, और उसके बाद जो मैंने जो लैस ये दुपट्टे से निकाली थी उसको उसका ही एक प्यारा सा डिज़ाइन देते हुए मैं दोनों साइड इस लैस को अटैच करूँगी और फिर सेंटर वाला डिज़ाइन स्टिच करूँगी। ये देखिए हमारा पोंचा फाइनल हो गया है। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी पत्तियों की चेन बनाई है और दोनों साइड में मैंने लैस को अटैच किया है। ये हमारा पोंचे का डिज़ाइन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।